ये है देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद यहां पर भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। इसे सिद्ध है कि ये जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है, खुद स्वीकार करते हैं। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्प्रगट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुणात्मा इन चंद पंक्तियों ने, इस शास्त्र के इस लेख ने चार बातें स्पष्ट कर दी है। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। नंबर दो, दुर्गा इनकी माँ है। नंबर तीन, रजगुण ब्रह्मा और सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी है। नंबर चार, ये जैसा वर्क जिसने किया उतना ही दे सकते हैं, किया कर्म ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आप जी को एक कथा और सुनाते हैं जिससे बहुत कुछ निर्णय होगा। एक बार पार्वती जी की मृत्यु 107 बार हो चुकी और उन भगवान शिव जी इनसे इतना प्यार करते थे, इतना लगाव करते थे, इतनी ममता थी इनमें। पार्वती मर जाती थी, भगवान शिव जी हाहाकार करते रहते थे। एक कथा है कि एक बार पार्वती जी अपने पिता राजा दक्ष की हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई थी, ख़त्म हो गई थी। भगवान शिव जी उस जले हुए अस्थियों को, हड्डियों को, अस्थि पिंजर को इतने पागल हो गए उनके मोह में, ममता में, उस अस्थियों को लिए हुए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। इतना प्यार करते थे उससे। और फिर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के वो अस्थि पिंजर का विनाश किया था, उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो जहाँ पर नैन गिरी वहाँ नैना देवी बन गई, और जहाँ जीव पड़ी वहाँ ज्वाला देवी, और जहाँ धड़ पड़ा वहाँ पर ये वैष्णो देवी नाम के ये मंदिर बना दिए, यादगार बना दिए कि यहाँ घटना ऐसी घटी थी। बस इतनी सी बात है वहाँ पर, कुछ नहीं। तो पुण्यात्मा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना व्याकुल हो जाता है। और भगवान शिव जी के पास एक मंत्र था जो ये दास आपको देता है। ये प्रथम जो आपको मंत्र दिया जाता है शिव जी के पास, ये बीच के 5 नाम थे। आप जी को ये 7 मंत्र का दिया जाता है, इनके पास बीच बीच के 5 नाम थे जो सुप्रसिद्ध हैं। इन 5 नामों के जाप से भगवान शिव को इतनी उपलब्धि हो गई थी कि इनकी आयु बहुत लंबी हो गई थी। और पार्वती बार बार मरती थी, आपस में इनका लगाव इतना था, इसके पुण्य संस्कार पिछले अच्छे थे पार्वती के, जिस कारण से कई मनुष्य जन्म भी हो जाते हैं पिछले पुण्यों के आधार से।
तो 107 जन्म हो गए थे, पार्वती मरती रहती थी व फिर जन्म लेती थी, फिर दोबारा भी शादी विष भगवान शिव से ही करती थी, इनके संस्कार थे ऐसे। 107 जन्म हो चुके थे और भगवान शिव जी क्या करते थे, उनके सिर ने निकाल कर, सिर जो सिर का जो खोपड़ी रह जाती थी, खप्पर बोलते हैं, यह इतनी अलग हो जाती है, इसको अपने गले में डाल लेते थे, माला बना के 107 माला बना के और खुट्टी का टांग रखी थी, कभी कभी गले में भी डाल लेते थे, इतना प्यार करते थे। एक दिन ऋषि नारद जी ने आके और पार्वती से कहा, हे माता, आप बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट को सहन करती हो, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको दे दें तो आपकी आयु भगवान शिव के बराबर हो जाएगी, आप बार बार जन्म के दुख को, मृत्यु के दुख को सहन करने से बच जाओगे। तो पार्वती का यह बात गले उतरी नहीं, कहने लगी, बेटा नारद, वैसे तो आप झूठ नहीं बोलोगे क्योंकि आप ऋषि हो, लेकिन आपकी बात मेरी समझ में आती नहीं कि भगवान शिव जी मुझसे इतना प्यार करते हैं और वो मेरी मृत्यु को सहन कैसे कर सकते हैं, उनके पास मंत्र है तो मुझे पहले देते मंत्र वो, ताकि मैं मरती नहीं। फिर पार्वती जी को नारद जी ने बताया कि माता, ये जो ये खुट्टी पर टांग रखे ना माला बना के, ये तेरे ही खप्पर हैं सारे, तेरे सिर हैं। पार्वती एकदम सहमगी, सचमुच अकोरी शौक से भगवान ने ये खप्पर रखने का, ये तेरे से इतना प्यार करते थे वह, आपकी प्रत्येक याद को ताज़ा रखते हुए गले में यहाँ रखते हैं, कभी कभी सीने से भी लगा लेते हैं, गले में टांग लेते हैं, और उनके पास एक मंत्र है, आपको क्यों नहीं दिया ये वो ही बता सकें, क्यों नहीं दिया उनसे पूछो। अब पुण्य आत्माओं, ये निर्णय होगा आप इस बात का। अब देखो, पति पत्नी चाहे परमात्मा की पत्नी है, इन भगवानों की, वो अच्छी हैं, देवी हैं, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन गुण सभी में एक जीव संज्ञा ही है ये। पहले पार्वती जी भगवान शिव जब घर पर आते थे तो कोई ना कोई नाक सकोड़ लेती थी, आप इतनी देर कहाँ रह गए हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, इस तरह की वो क्रिया करती थी। और भगवान शिव जी भी अभ्यस्त थे। उस दिन जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती जी, अच्छा उस नारद जी ने बताया कि अभी आप उनको एक सिंपल पति मान रहे हो, आप उनको भगवान नहीं मानते, और ये वस्तु प्राप्त करने के लिए आप जी ने उनको गुरु मानना पड़ेगा, और गुरु के लिए कितनी, शिष्य के लिए कितनी आधीनी होती है, दंडवत प्रणाम करे, लंबा लोट के विनम्र भाव से वस्तु याचना करे, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तो पार्वती क्या समझ में आ गई, ये तो बात बिगड़ गई, फिर कोई त्रुटि मेरे में रही है, जो भगवान इतना मुझसे प्यार करते हैं और फिर मुझे ये वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, अवश्य मैं योग्य नहीं होंगी। अब जब भगवान शिव जी आए घर पे, पहले तो पार्वती कुछ और डांट डूट मार दिया करती, और उस दिन तो दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ दिए, पैर पकड़ के ने बोली, है एक परमात्मा, मैं तो बालक हूँ, आप तो प्रभु हो, अवश्य मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं बहुत नालायक हूँ, मेरे से आप जी ने एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है, आपने मुझे वो अमर मंत्र नहीं दिया। अब भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती, ये तेरी बुद्धि की सोच नहीं है, तेरी तो बुद्धि यहाँ तक काम करे को ना, मैं कितने दिन हो गए, हजारों वर्ष हो गए देखते ने, पर नो बता तेने कौन इसी भगवान आत्मा मिल गई जो तेरी बुद्धि बदल दी, जिसने आज कौन आ गया वो पुण्य आत्मा जो तेरी बुद्धि चेंज कर गया, जो जिसको मैं नहीं कर पा रहा था, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं, बता कौन है, को उपदेशी मिला विधाता,
अब थोड़ा सा आपको ये वार्ता उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से सुनाते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस वाणी से आपके पाप भी कटते हैं। शंखों दे दरी तन योनी नो तत्के का बीज न बुनी मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा भर्म में पुत्र व्यास सुखदेवा। सतगुरु मिला महादेव बंका 84 की मिटी न शंका 78 जन्म गौरी भरमाई शिव को रुंड माँ लागल लाई। 108वां जन्म था 108वां जन्म था इस पार्वती का। अपुनात्मा बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे इन कथाओं से। जैसे क्या कहते हैं भाई, भगवान के दर्शन हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए। भगवान के दर्शन से बेड़ा पार नहीं होगा, वो तो अच्छी बात है, भगवान दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पाने की विधि प्रॉपर होगी, उस मंत्र से मोक्ष होगा। ये भगवान शिव जी के साथ रहा आकृति पार्वती, उसकी तो धर्मपत्नी थी, वो धर्मपत्नी है, वो कति साथ रहा आकृति एक घर में रोज दर्शन सो सोवे कराया करती, उसका मोक्ष नहीं हुआ, उस मंत्र से मोक्ष होगा। अब सुनना ध्यान से, 78 जन्म गौरी भरमाई शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा जिनका थीर भयानी भोरा। अर्ध शरीरी अर्धांगनी, स्त्री को अर्धांगनी मानते हैं, सबसे निकटतम रहने वाला रहने वाली, तो कहते हैं उस वो भी पार ना हुई, भगवान की शिव जी की अर्ध शरीरी थी वह, तो अर्धांगनी थी, उसका भी जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हुआ। क्या बताते हैं, अर्ध शरीरी देवी 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 गौरा जिनका थिर भयानी भोरा, यानी उसका भी जीव सथिर नहीं हुआ, जन्म मृत्यु में थी। नारद मुनि उपदेश बखाना गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए कै बारी खुली नहीं ये मुक्त द्वारी। कहते हैं नारद जी बता रहे हैं कि क्या कितनी बार तक तू तीर्थां पर घूम आई थी और ना जाने कितनी बार पिंड प्रदान तेरे हो लिए, लेकिन तेरा जन्म मृत्यु मिटा नहीं। रुंडमाला शिव के गले गिरजा के सिरसी से भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। नारद जी बता रहे हैं तुमरा देवी रूप विशाला शिव तो पैर रहे रुंडमाला। बहुतक प्रलय हो जाई लंबी उम्र शिव कलमाही। दीर्घायु शिव है अनरागी तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया ताते कल्प हो है तेरी काया। तेरे को वो मूल मंत्र जो उसके पास सही ज्ञान है नाम है वो तुझे नहीं दिया, इसलिए तू जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा पाई। महादेव देवन पति देवा जिनकी करी न देवी गौरी सेवा। कर बंदन कर शीश निमावो तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। अब नारद जी बताते हैं किसी जब दीक्षा लेनी होती ना, जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवा हो गलतान उपदेश ही लेवे। अति आधीन बोल सब बहना मेट सकल कपट के बहना, यानी कत्याधीन हो। तो यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि तुमने हाथ जोड़ के पैरा में पड़ना चाहिए। कर बंदन कर शीश निमावो तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता तो से भेद कहूँ गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा ताते प्राण अभय हो तेरा। कहते चरण पकड़ देना आपके गर्माओं जब। कमल रूप देवी दिल कीन्या नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता देवी चरण लिए सतरूपा। अब कहते हैं नारद जी के ज्ञान सुनकर उसका समझ में आ गई कति कोमल। पहले तो एकाधी डांट मार दिया करती पति उन कहना तय, और कहते हैं फिर तो कोमल कमल जैसा कोमल साफ दिल कर लिया। और जब भगवान आए तो क्या बोली, चरण पकड़ रोवत है बाला मोरे शीश किए रुंडमाला।
मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुमरी सेवा मोसे।